Hi, hello students. This is CS Sushil Kumar welcoming you to another video. In this video, basically, I'm going to discuss and solve a question that has been asked by ICAI number 22 exams SFM paper. So the question is question number 6B appearing on your screen. Okay. First of all, why I am discussing this one question only? ओके देखिए अपने SFM में अभी करेंटली क्या है कि कुछ चैप्टर्स को हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि ये बड़े चैप्टर है लाइक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फॉरेक्स डेरिवेटिव्स म्यूचुअल फंड्स एंड कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिसे हम लोग स्मॉल चैप्टर्स या छोटे चैप्टर्स में कैटेगराइज करते हैं लाइक थियरी जो भी चैप्टर्स है चैप्टर नंबर 1, 2 एंड अदर्स. ओके तो स्टूडेंट्स का जनरल अजम्पशन क्या अभी चलता है दैट जो बड़े वाले चैप्टर्स है उससे 8 मार्क्स 12 मार्क्स 16 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं और जो छोटे चैप्टर्स हैं उससे 4 मार्क्स आएंगे या तो नहीं आएंगे. तो उसे जनरली वो क्या करते हैं दैट या तो इग्नोर करके चलते हैं या तो बिल्कुल लास्ट में देखते हैं या तो ऊपर ऊपर से देखते हैं कि सर लास्ट में मैं इसे ऊपर ऊपर से देख लूंगा. ठीक है और ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है जो कि 8 मार्क्स का पूछा गया है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 8 मार्क्स का नवंबर 22 अटेम्प्ट में SFM में पूछा गया है ये हमारे चैप्टर 1 से बिलोंग करता है फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी. और इस चैप्टर को भी स्टूडेंट्स छोटे चैप्टर मान के चलते हैं. द स्टूडेंट जनरली अज्यूम्स एंड इट हैज बीन गाइडेड बाय मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज ऑल्सो दैट ये छोटा चैप्टर है. इसे फैकल्टीज भी जनरली लास्ट में कराते हैं या नोट्स दे देते हैं कि ये थियरी चैप्टर है आपको बस इससे ही पढ़ना है. ओके और उस चैप्टर से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं. तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट ICAI जब पेपर सेट करता है तो वो क्या अप्रोच लेता है. ठीक है वेदर ICAI चैप्टर ओरिएंटेड और कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड एंड इफ यू वांट टू टैकल द एग्जाम्स विथ कहते हैं ना कि मच मोर कन्विक्शन कि आप अटेम्प्ट कर रहे हो पेपर और एक आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो कन्विक्शन के साथ. अगर आप कन्विक्शन के साथ पेपर को अटेम्प्ट करना चाहते हो तो व्हाट शुड बी योर अप्रोच. ठीक है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होने वाला है डिस्कशन लेट्स स्टार्ट. ओके सो मैं कह रहा था दैट स्टूडेंट्स जनरली ये अज्यूम करते हैं कि जो छोटे चैप्टर्स है उससे या तो क्वेश्चन नहीं आएंगे या तो 4 मार्क्स ही आएंगे. ठीक है बट लेट मी टेल यू एंड आप लोग समझिए इस बात को बहुत ही ध्यान से दैट ICAI इज नेवर चैप्टर ओरिएंटेड वाइल सेटिंग द पेपर्स. ICAI जब क्वेश्चन पेपर बनाता है ना तो दे आर नॉट चैप्टर ओरिएंटेड कि नहीं चैप्टर नंबर 5 डेरिवेटिव्स बड़ा है तो इससे 12 मार्क्स का ही बनाना इससे 16 मार्क्स का ही बनाना और चैप्टर नंबर 1 थ्योरी चैप्टर है छोटा है तो इससे मैं 4 मार्क्स का ही बनाऊंगा. ऐसा नहीं है. ICAI ऑलवेज फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स. ठीक है मैं कहता हूं कि अपना मान लो कि SFM पेपर में लेट सपोज दैट टोटल 500 कॉन्सेप्ट है. ठीक है और अभी हमारा नवंबर 22 अटेम्प्ट आने वाला है एंड ICAI वांट टू चेक 300 कॉन्सेप्ट आउट ऑफ 500. मतलब अपने पेपर में ICAI 300 कॉन्सेप्ट को पूछना चाहता है. नाउ इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट वो 300 कॉन्सेप्ट किस चैप्टर में फॉल कर रहे हैं ICAI पूछेगा ही. ठीक है अब उस 300 कॉन्सेप्ट में कुछ कॉन्सेप्ट का वो बेसिक नॉलेज चेक करेगा कुछ कॉन्सेप्ट का वो बिल्कुल इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चेक करेगा. ठीक है अब वो जो 300 कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है मान लो उसमें से एक कॉन्सेप्ट पड़ गया चैप्टर नंबर 1 में. ठीक है और उस कॉन्सेप्ट का वो डिटेल्ड बहुत ही मतलब इन डेप्थ कॉन्सेप्ट इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स का तो क्या होगा बताओ. क्या वो ये देखेगा कि नहीं नहीं ये तो चैप्टर 1 का है छोड़ो यार इससे ज़्यादा मत पूछो स्टूडेंट से. ऐसा नहीं करता ICAI. ठीक है दे आर कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड उनको अगर किसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करके पूछना है वो पूछेंगे चाहे वो चैप्टर 1 का ही हो. अब एक्सटेंड करने में अगर उस क्वेश्चन का एम्बिट इतना बढ़ जाए कि उस क्वेश्चन के मार्क्स का वेटेज 8 हो जाए. ठीक है व्हाट इज सस्टेनेबल ग्रोथ रेट. सस्टेनेबल ग्रोथ रेट के कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन पूछा गया मैं भी एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल और फिर एक कुछ डेटा देकर कुछ रिक्वायरमेंट मांगी गई है. सस्टेनेबल ग्रोथ रेट को इतना डेप्थ में ICAI को पूछना था. अब इतने सारे रिक्वायरमेंट पूछेंगे तो वो मार्किंग तो बढ़ाएंगे ही 8 मार्क्स. क्या ICAI ने ये देखा कि चलो यार ये तो फर्स्ट चैप्टर का पढ़ रहा है स्टूडेंट ने सोचा होगा कि थ्योरी चैप्टर है कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है इससे तो चलो इसको 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन बनाते हैं. ऐसा ना ICAI सोचा है ना कभी सोचेगा. ठीक है अब जितने भी हम लोग ट्रेंड्स देखते हैं आप कहोगे कि सर बट हम लोगों ने ट्रेंड्स देखा है RTP MTP पास्ट ईयर के पेपर्स इस चैप्टर से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं. देखो ट्रेंड चेंज भी होता है. ट्रेंड इज नॉट समथिंग कि वो होता है ना पत्थर की लकीर हो गई वैसा नहीं हो सकता है. ट्रेंड कैन चेंज. और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप फर्स्ट वाले चैप्टर को आपको कुछ ऐसा करना है क्योंकि तो उसमें टाइम तो लगना नहीं है. मैं आपको बताता हूँ 10 पेजेज है फर्स्ट चैप्टर में. ठीक है लेट सपोज इसमें अगर 22 कॉन्सेप्ट है सपोज मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ
अगर 22 कॉन्सेप्ट है, आप वो 22 कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ो ना, दैट्स इट। मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। इट्स जस्ट लाइक यू शुड हैव 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट, दैट्स इट, इफ यू वॉन्ट टू सिट इन सी ए एग्जाम्स एंड आंसर विद कन्विक्शन। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस के साथ आप अगर आंसर करना चाहते हो तो आपको कॉन्सेप्ट का 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, दैट आईसीआई इज नेवर चैप्टर ओरिएंटेड, दे आर कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड। वो कॉन्सेप्ट, किसी एक कॉन्सेप्ट को अगर वो चेक करना चाहेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि वो थ्योरी में पढ़ रहा है या प्रैक्टिकल में पढ़ रहा है। आपके अकॉर्डिंग वो होगा चैप्टर थ्योरी, आईसीआई के अकॉर्डिंग वो एक कॉन्सेप्ट है। अगर वो उसका इनडेप्थ चेक करना चाहते तो ऐसा ही एक बड़ा सा क्वेश्चन आपके छोटे वाले चैप्टर से बनाएंगे और 8 मार्क्स का आपके सामने रख देंगे। ठीक है, और आईसीआई का पूछने का तरीका भी ऐसा है, मतलब जनरली लोग ऐसा बोलते हैं दैट आईसीआई थोड़ा सा इसको और अच्छे से चेक करना चाहिए, स्टूडेंट्स की नॉलेज, बेसिक चीज़ें पूछ लेता है। तो मैं इस क्वेश्चन को जब एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट का, आपका अंडरस्टैंडिंग का चेक आईसीआई करता है। ठीक है, तो अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओगे ना तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, चलो, सो नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। देखो, एक बात है ना, ध्यान रखो हमेशा, दैट आप अगर चैप्टर ओरिएंटेड बनते हो तो आपको क्या लॉस होता है अगर आप चैप्टर ओरिएंटेड हो, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि चैप्टर ओरिएंटेड हो। ठीक है, आपको क्या लगता है कि टोटल 14 चैप्टर्स है, इसमें से मैंने 2 चैप्टर छोड़ दिया, 2 चैप्टर्स मैंने नहीं किए। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि यार 14 चैप्टर से सिर्फ 2 ही तो छोड़ा है, उसमें भी आप सोचते हैं कि एक छोटा है और एक बड़ा है, ऐसा सोचते हो। ठीक है, बट एक बात ध्यान रखना कि ये जो 2 चैप्टर आपने छोड़ा है ना, क्या पता इसमें कुछ 11 कॉन्सेप्ट हो, सॉरी, क्या पता ये जो एक छोटा है ना इसमें 11 कॉन्सेप्ट हो और ये जो बड़ा है इसमें कुछ 27 कॉन्सेप्ट हो। लेट सपोज, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट आप 38 कॉन्सेप्ट को मिस करके चल रहे हो, हाउ कुड यू टेक दिस मच रिस्क। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आप जो छोड़कर चलते हो क्वेश्चन वहीं से आता है। ओके, तो जो चीज़ इतना छोटा लगता है ना इन नंबर व्हेन यू गो बाय चैप्टर्स, दैट नहीं, मैं तो 2 ही चैप्टर छोड़ के जा रहा हूँ, हमेशा इस बात पे ध्यान रखो कि अरे उस चैप्टर के अंदर काफ़ी कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट से अगर क्वेश्चन आ गए ना तो आप प्रॉब्लम में पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो, सो ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाला, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होगा डिस्कस। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते टाइम आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि आईसीआई क्या एक्सपेक्ट करता है कि हम लोग अगर किसी कॉन्सेप्ट को पढ़े तो कितने डेप्थ से पढ़े, कितने अंडरस्टैंडिंग से पढ़े और कितना फोकस्ड होकर पढ़े एक्चुअली, और हमें कितनी चीज़ों को रिटेन करने की रिक्वायरमेंट है, क्या अपना लॉजिक यूज होगा। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन एक बार और अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो, सबसे पहला रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट क्या होता है। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल क्या बनाता है, व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल। ये 2 बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, मैं अगर स्टडी मटेरियल में जाऊं, देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, छोटा चैप्टर है, 10 पेज का चैप्टर है, इसमें एट लास्ट है आई थिंक, आ गया, देखो यहां से स्टार्ट हुआ है सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। ओके, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, और सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट इज सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, मैं वो यहां कवर कर लेता हूं बिकॉज वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्वेश्चन, आगे है थोड़ा सा सोचने वाली बात। ओके, देखो आप यहां तक लिख दोगे ना तो दैट वुड बी मोर देन इनफ, कि द सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ ग्रोथ इन सेल्स दैट कैन बी अचीव्ड गिवन द फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी असेट यूटिलाइजेशन एंड डिजायर्ड डिविडेंड पे आउट एंड डेट रेशियो। ठीक है, देखो बेसिकली क्या होता है ना, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट वो बताता है दैट आपका फर्म कितना ग्रो कर सकता है अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी असेट यूटिलाइजेशन डेट रेशियो ये सब बिल्कुल कॉन्स्टेंट रहे तो। ठीक है, ये वाला लाइन पढ़ोगे तो आपको सही से आ जाएगा समझ कि द सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच अ फर्म कैन ग्रो विदाउट बोरोइंग मोर मनी। ठीक है, सपोज अभी आपका कैपिटल समवेयर 50 लाख है। ठीक है, अभी आपके पास 50 लाख कैपिटल है, आप ये चेक करना चाहते हो कि मेरा कंपनी ना इस 50 लाख कैपिटल के सहारे कितना ग्रो कर सकता है। ठीक है, इस 50 लाख कैपिटल के सहारे कितना ग्रो कर सकता है अगर मैं कुछ और बोरो ना करना चाहूं तो। एक बार फिर से पढ़ो इस लाइन को, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच अ फर्म कैन ग्रो विदाउट बोरोइंग मोर मनी। ठीक है, चलो,
तो यहाँ तक आपको, आप अगर लिखते ये मनी तक तो ये सफिशियंट होता, प्लस आप फॉर्मूला भी कोट कर देते दैट सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इज इक्वल टू रिटर्न ऑन इक्विटी इंटू वन माइनस डिविडेंड पेमेंट रेशियो मैं कह सकता हूँ, या तो रिटेंशन रेशियो कह सकता हूँ, ठीक है। चलो उसके बाद सेकेंड पार्ट था इस क्वेश्चन का, व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल। देखो ये भी कितना क्लियर कट क्वेश्चन है, ये दो तो फ्री के आंसर है, ठीक है, बिकॉज मैं अज्यूम करता हूँ कि आप पढ़ के जा रहे हो, ठीक है, जिस चैप्टर को आप एक छोटा चैप्टर कह रहे हो आप। देखो उस आउट ऑफ 8 मार्क्स आई कैन से दैट 4 मार्क्स या 5 मार्क्स तो ये दोनों आपका सेव कर दिया, ठीक है, जो कि बिल्कुल क्लियर कट क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरे रिक्वायरमेंट में आते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है, तीसरे रिक्वायरमेंट को देखो, ये इंपॉर्टेंट है। कहता है मिस्टर एक्स ने फॉलोइंग डेटा दिया है, डेटा क्या है, टोटल असेट है, बैलेंस शीट में होता है असेट राइट, टोटल लाइबिलिटी है, असेट है 250, लाइबिलिटी है 220। मैं यहां इसको बनाने स्टार्ट करता हूं, देखो मैं बैलेंस शीट ही बना लेता हूं, ठीक है। कहता है इधर है, इधर होता है लाइबिलिटी, इधर होता है असेट, ठीक है, दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ओके चलो टोटल दिया हुआ है, टोटल असेट है 250 और ये लाख में है, ठीक है, फिगर इन लाख, फिगर इन लाख्स, ठीक है, और ये लाइबिलिटी है 220। अच्छा टोटल लाइबिलिटी दिया हुआ है, 1 मिनट इसको यहां नहीं लिखेंगे, बताता हूं। देखो एनी हाउ एक बात अपने बेसिक सेंस से रखना याद, कि बैलेंस शीट में अगर टोटल असेट है 250, टोटल असेट अगर 250 है तो इधर भी 250 होगा राइट। अब टोटल लाइबिलिटी मेरा दिया हुआ है, समझ लो यहां पे टोटल लाइबिलिटी दिया हुआ है 220, ठीक है, और यहां पर कुछ कुछ है जो कि मेरा टोटल हो रहा है 250। अब लाइबिलिटी साइड दो चीज होती है, एक होती है लाइबिलिटी प्लस, दूसरा होता है शेयर होल्डर्स फंड, ओके। तो जब मेरा बैलेंस शीट का टोटल असेट 250 है और लाइबिलिटी साइड भी टोटल 250 होगा, मेरा टोटल लाइबिलिटी 220 है, तो शेयर होल्डर फंड कितना होगा, बैलेंसिंग फिगर दैट इज 30, या यहां पर अज्यूम कर सकते हैं, बिल्कुल वैलिड अजम्पशन है, ठीक है। तो हमारा शेयर होल्डर फंड आ गया 30। चलो जी आगे क्या कहता है, कहता है नेट इनकम है मेरा 12 लाख, डिविडेंड मैंने दे दिया 4.5। देखो कहता है कि नेट इनकम है मेरा 12 लाख, डिविडेंड कितना दे दिया मैंने 4.5 लाख। आप लोग को इतना भी पता होगा दैट मेरा जो भी इनकम होता है ना, इसका दो पार्ट बनता है आफ्टर टैक्स, ठीक है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आफ्टर टैक्स है। एक तो जाएगा मेरा डिविडेंड जो मैं अपने शेयर होल्डर्स को बांट दूंगा, और एक मेरा होगा रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग्स हम क्यों रखते हैं, अपने बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए, ये पैसे हम अपने पास रखते हैं कि मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है, और डिविडेंड जो है वो हम लोग शेयर होल्डर को एज अ फ्रूट देते हैं, ओके। चलो तो 12 लाख में अगर मैंने डिविडेंड दे दिया 4.5, तो मैंने रिटेन कितना किया, मेरा रिटेन्ड अर्निंग्स कितना हुआ, 12 माइनस 4.5, 7.5 लाख, ठीक है। तो मैं 12 लाख रुपए कमाता हूँ, 4.5 लाख देता हूँ डिविडेंड, 7.5 लाख रखता हूँ अपने पास। एक और फिगर था, सेल्स है मेरा 100 लाख, ठीक है, सेल्स दिया हुआ है 100 लाख, इसे भी हम लोग नोट कर लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ इसलिए मैं लिख काफ़ी फास्ट रहा हूँ, ठीक है, तो इसको जैसे ये अर्निंग है तो आप लोग आइडेंटिफाई करना, ओके चलो। सो अब सारा डेटा मैंने नोट कर लिया, अब मैं रिक्वायरमेंट पे आऊँगा। रिक्वायरमेंट पार्ट देखो, रिक्वायरमेंट पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए, बिकॉज रिक्वायरमेंट ही पार्ट ऐसा होता है जहाँ पे 95% केस में आईसीए आपको घुमाने का ट्राई करता है या आपका कॉन्सेप्ट चेक करता है। आप देखो क्या पूछ रहा है, कहता है मिस्टर एक्स ये जानना चाहता है वॉट एक्सटेंट सेल्स कैन बी इंक्रीज विदाउट गोइंग फॉर एडिशनल बोरोइंग बाय यूजिंग SGR कॉन्सेप्ट। मिस्टर एक्स को यह जानना है कि मैं अपने सेल्स को कितना बढ़ा सकता हूं विदाउट गोइंग फॉर एडिशनल बोरोइंग, बिना एडिशनल बोरोइंग किए, ठीक है। मेरे पास जितना भी पैसा अभी है, मेरा एक बिजनेस है, मेरा जितना भी पैसा अभी मेरे पास है उसके बेसिस पे मैं अपने सेल्स को कितना इंक्रीज कर सकता हूं, ये एक्स जानना चाहता है, ठीक है। क्या इस क्वेश्चन में ये जो रिक्वायरमेंट है, क्या इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ पूछा, बीटा निकालो, कुछ पूछा क्या, बीटा निकालो, कुछ बोला क्या, ग्रोथ रेट निकालो, कुछ बोला क्या, वैल्यूएशन करो, कुछ बोला क्या, नहीं। ये सीधा एक स्टेटमेंट पूछा है कि मैं कितना सेल्स को इंक्रीज कर सकता हूं विदाउट गोइंग फॉर एडिशनल बोरोइंग। अब आपको ये पता होना चाहिए
आपको ये बात पता होना चाहिए दैट मैं क्या ऐसा करूं जो मुझे पता चल जाए कि विदाउट एडिशनल बोरोइंग मैं अपने सेल्स को कितना इंक्रीज कर सकता हूं। अब मैं आता हूं वापस सस्टेनेबल ग्रोथ रेट के डेफिनेशन पे। आप देखो यहां पर क्या लिखा होता कि सस्टेनेबल ग्रोथ रेट ही वो मेजर है कि कितना अ फर्म कैन ग्रो। यहां देखो अ फर्म कैन ग्रो, एक फर्म कितना ग्रो कर सकता है विदाउट बोरोइंग मोर मनी। और अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि बिना और एडिशनल बोरोइंग किए आपका फर्म कितना ग्रो कर सकता है। अब एक फर्म कैसे ग्रो करेगा बताओ। अब यहां तो लिखा हुआ है ग्रो, हाउ मच अ फर्म कैन ग्रो, और यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यहां पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टू व्हाट एक्सटेंट सेल्स कैन बी इंक्रीज्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि पूछ रहा है कि सेल्स हम कितना बढ़ाए। अब भाई देखो एक फर्म को ग्रो करना और उसके सेल्स को इंक्रीज करना, डोंट यू थिंक दिस टू थिंग्स आर रिलेटेड। मैं अपने फर्म को बढ़ाना चाहता हूं तो मेरा मेजर फोकस कहां जाएगा, आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई सेल्स, राइट। अभी मेरा आर्टिकल सिर्फ गाइडेंस का हुआ था सेशन, वहां मैंने जब ये चीज मैंने वहां पे किया था शॉर्ट में डिस्कस, तो मैंने पूछा तो एक स्टूडेंट्स ने बोला कि सर फर्म को ग्रो हम कॉस्ट को रिड्यूस करके भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात सही है, बट एज अ CFO, ठीक है, एज अ CFO या फाइनेंस हेड, आप अगर अपने फर्म को ग्रो करना चाहते हो तो क्या आप इसको अपने प्राइमरी मेथड लोगे क्या कि चलो हर साल मैं अपना कॉस्ट को रिड्यूस करूंगा, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? इन्वायरमेंट इन्फ्लेशनरी है, ठीक है, और ऐसे इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट में आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कॉस्ट आपका इतना ज्यादा रिड्यूस होगा कि आपका फर्म के ग्रोथ का टारगेट को मीट कर पाएगा। वॉट थिंग यू कैन डू, यू कैन फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर सेल्स। देखो कॉस्ट कटिंग लगा रहेगा बट दैट शुड नॉट बी अलाइंड विथ योर कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोइंग द फर्म, वो प्राइमरी नहीं रहेगा। मैं वो भी ट्राई करूंगा बट मेजर मेरा फोकस रहेगा कि मैं सेल्स कैसे इंक्रीज करूंगा। तो फर्म को ग्रो करना और सेल्स को इंक्रीज करना इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग। तो ये स्टूडेंट को समझना पड़ेगा कि मैंने सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का जब डेफिनेशन पढ़ा था ना तो कुछ ऐसा पढ़ा था कि सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि हाउ मच अ फर्म कैन ग्रो विदाउट बोरोइंग मोर मनी। और एक फर्म कब ग्रो होगा? जब उसके सेल्स इंक्रीज होंगे, राइट। और वही बात तो यहां पर पूछा जा रहा है, वही बात तो यहां पर पूछा जा रहा है कि मिस्टर एक्स को ये जानना है, वॉन्ट्स टू नो टू व्हाट एक्सटेंट सेल्स कैन बी इंक्रीज विदाउट गोइंग फॉर एडिशनल बोरिंग बाय यूजिंग SGR कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स को यहां पर अपना माइंड चलाना है कि हियर आई हैव टू कैलकुलेट SGR सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन इक्विटी इंटू 1 माइनस डिविडेंड पेमेंट रेशियो कहो आप, या फिर ROE इंटू, या फिर रिटर्न ऑफ इक्विटी इंटू रिटेंशन रेशियो कहो, ठीक है, क्योंकि रिटेंशन रेशियो इक्वल टू होता है 1 माइनस डिविडेंड पेमेंट रेशियो। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके, तो यहां पर हम लोगों को SGR ही कैलकुलेट करना है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि ICAI जो सवाल पूछते हैं ना वो इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछता है, ठीक है। या मैंने बहुत सारे जनरली मैं ये सीनियर पीपल से ही देखा हूँ, या बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो भी कहते हैं कि ICAI का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। ये वही तो ट्राई कर रहा है चेक करने का कि स्टूडेंट्स को पता है कि नहीं कि SGR का मतलब क्या होता है। क्या इन्होंने बोला कि फाइंड SGR, बोला क्लियर भाषा में बोला क्या? नहीं, ये SGR का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है ना उस चीज को यहाँ पर ड्राफ्ट किया गया है, और ये एक तरह से ठीक है। इतना तो स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग होना ही चाहिए, इतना तो उनको ध्यान रहना ही चाहिए, ठीक है, बिकॉज एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू आर रियली एक्सपेक्टेड टू नो ऑल दिस थिंग। जब आप कॉर्पोरेट में जाओगे आज आपको फील होता है ना कि चैप्टर नंबर 1 में थियरी है, थियरी, अरे वो थियरी नहीं है, वो प्रैक्टिकली यूज होता है, दैट इज नॉट थियरी। थियरी नाम का कोई चीज होता ही नहीं है दुनिया में, थियरी वही है जो प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं दिखता ही नहीं है। मान लो मैंने बोला कि थियरी कुछ होता नहीं है बट होता है, मान लो एक कॉन्सेप्ट है, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये ना प्रैक्टिकल दुनिया में जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, ठीक है, ये आता ही नहीं है कुछ, इसका एप्लीकेशन कहीं नहीं आता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जिस कंपनी में जॉब करें वहाँ नहीं, दुनिया में कहीं नहीं है, या अब ये इनवैलिड हो गया है, ऑब्सोलीट हो गया है, तभी आप कहोगे कि ये थियरी है। वो सिर्फ वर्ड्स में है, बुक्स में है, बट जब एक कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली अप्लाई होता है दैट इज अ प्रैक्टिकल थिंग। ओके, तो इसीलिए किसी भी चीज़ को थियरी नहीं बोलने का अगर वो प्रैक्टिकली अप्लाई हो रहा है तो चलो इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, तो मुझे निकालना है सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, वो क्या होता है रिटर्न ऑन इक्विटी इंटू 1 माइनस डिविडेंड पेमेंट रेशियो। ओके, सबसे पहले हम रिटर्न ऑन इक्विटी निकालेंगे,
जो हमारा है यहां पर नेट इनकम अपॉन शेयर होल्डर फंड. नेट इनकम कितना है? 12/30. फास्ट फास्ट सॉल्व करेंगे बिकॉज ये प्रोसीजरल सॉल्व है. मेरा एम था आप लोगों को ये बताना कि कॉन्सेप्ट क्या है और ये आईसीआई का अप्रोच. देखो कैसे छोटे चैप्टर से बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, 8-8 मार्क्स और 8 मार्क्स ना, वो आप लोग को समझ आएगा अभी जब रिजल्ट्स आएंगे. या अभी आप लोग को पता भी होगा, इंटरमीडिएट आप लोग क्लियर करके आए. मैं सीएफ एनालिस्ट को ये बात एड्रेस कर रहा हूँ, आप लोग इंटरमीडिएट क्लियर करके आए हैं, ठीक है. आप लोग को पता है कि 1-1 मार्क्स का क्या इंपॉर्टेंस है. तो 8 मार्क्स है, ठीक है, आपको सीधा इस पार से उस पार ले जा सकता है, राइट. चलो तो 40% मेरा आरओई आ गया और डिविडेंड पेमेंट रेशियो मैं निकाल लेता हूँ वो कितना आएगा. देखो मैं 12 लाख कमाता था, 4.5 दे देता था, ठीक है. तो 4.5 अपॉन 12 इंटू 100, ये कुछ 37.5% आ रहा है. ओके, अब मैं एसजीआर आराम से निकाल सकता हूँ. एसजीआर होता है मेरा आरओई, जो कि है मेरा 40% इंटू 1-37.5 कर दो, ठीक है, हो जाएगा मेरा 40 × 62.5%, ठीक है. ये आ गया मेरा 25% आंसर. तो जी ये जो मेरा एसजीआर 25% आया है, ये एसजीआर का मतलब क्या है कि मैं अपने फर्म को 25% ग्रो कर सकता हूँ. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, याद रह जाएगा आप लोग, मैं अपने फर्म को 25% ग्रो कर सकता हूँ विदाउट एनी एडिशनल बोरोइंग, ठीक है. आज मेरे पास जितने भी पैसे हैं, मैं उसके हेल्प से अपने बिजनेस को 25% इंक्रीज कर सकता हूँ. अगर आपको इसको आगे लिखना है तो आपको पता होगा कि सेल था हमारा 100 लाख, ठीक है, और क्वेश्चन के रिकॉर्ड में दिया गया था कि हाउ मच सेल्स कैन बी इंक्रीज. तो यू कैन से दैट 100 लाख प्लस 25%, वो मेरा आ जाए कुछ 125 लाख. इतना मैं अपने सेल्स को इंक्रीज कर सकता हूँ जितना मेरे पास कैपिटल है. अगर अब एक बात बताओ, थोड़ा सा और एनालिसिस इसको कर लेते हैं. अगर मैं 125 लाख से जाना चाहता हूँ 130 लाख, देखो ये सब एनालिसिस होते हैं कॉर्पोरेट्स में, ऐसा नहीं कि ये सब ना मतलब थ्योरी की चीज नहीं है, प्रैक्टिकली ये सब एनालिसिस होते हैं. क्यों एनालिसिस होते हैं? एक पॉइंट पे ना, एक कंपनी वांट टू डिटरमाइन दैट वेदर आई शुड गो फॉर एडिशनल बोरिंग और नॉट. अब मान लो कि कंपनी का सेल्स है आज 80 लाख, वो अपना एसजीआर निकालता है, उसके हेल्प से वो एसजीआर के हेल्प से पता करता है कि उसका कैपेसिटी है 90 लाख का विदाउट एडिशनल बोरोइंग. तो क्या वो बोरो करना चाहेगा? वो कहेगा नहीं, मेरा कैपेसिटी है 80 लाख से 90 लाख तक जाने का विथ माई ओन फंड. जब मैं अपने पैसे से ही उतना कमाऊंगा, मैं क्यों बोरो करने जाऊंगा? इंटरेस्ट पे करने का शौक है क्या मुझे, राइट. तो मैं इस क्वेश्चन के एग्जांपल पे आता हूँ. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 लाख था, एसजीआर से हमें पता चला कि हम 125 लाख तक जा सकते हैं, 25% हाई जा सकते हैं. अब मैं 125 से अगर 130 जाना चाहूँ तो मुझे एडिशनल बोरिंग लगेगा कि नहीं बताओ? डेफिनेटली लगेगा, ठीक है. तो ये सब डिसीजन मेकिंग्स होते हैं, हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, ओके. और यही चीज यहाँ पर आईसीआई चेक करना चाह रहा है. 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, छोटा चैप्टर से 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है. थोड़ा इन सबको रिमूव करने दो यार, ये काफी. आप लोगों ने अगर नोट करना हो तो इसे नोट कर लेना, ठीक है, जो भी मैंने लिखा है, ओके. चलो ये तो ठीक है. ओके, सो नाउ आई वुड लाइक टू सम अप दिस वीडियो एंड आई होप दैट आप लोगों को मेरा इंटेंशन फील हुआ होगा दैट व्हाई आई हैव रिकॉर्डेड दिस वीडियो. ओके, मैं हार्ट ऑफ दिस वीडियो बताऊं दैट मैं बेसिकली क्या आप लोगों को कन्वे करना चाह रहा था, वही चैप्टर ओरिएंटेड और कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड वाली बात. किसी भी पेपर में प्लीज चैप्टर ओरिएंटेड मत बनो. आपको शायद दिख रहा हो कि आपने सिर्फ चैप्टर थर्ड को लेफ्ट किया है, वो चैप्टर थर्ड नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है. अगर वो कॉन्सेप्ट आईसीआई ने पिकअप कर लिया, उसे 12 मार्क्स 8 मार्क्स का बना दिया ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने एक्सप्लेन किया. और हाँ, एक और बात, दैट ये जो क्वेश्चन है ना सस्टेनेबल ग्रोथ रेट पे, ये क्वेश्चन आज तक ना स्टडी मैट के किसी क्वेश्चन में है, ना आरटीपी एमटीपी, और मेरा जो एसएफएम का लेक्चर है उसमें मैं नवंबर 2008 से क्वेश्चन कवर करता हूँ, मैंने कहीं नहीं देखा ये क्वेश्चन, ठीक है. तो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये मुझे पहले ही बताना था बट मुझसे स्किप हो गया था. देखो मैं कहता हूँ कि स्टडी मैट से सारे क्वेश्चन आते हैं, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये नहीं कि स्टडी मैट के जितने
हर स्टडी मैट के हर चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, राइट। इसका मतलब ये नहीं है, मैं जब बोलता हूँ कि स्टडी मैट से क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये नहीं कि स्टडी मैट में जो चैप्टर में क्वेश्चन दिए ना उससे क्वेश्चन आते हैं, नहीं। उससे ये मतलब होता है कि स्टडी मैट में जितने कॉन्सेप्ट है, स्टडी मैट में जितने कॉन्सेप्ट है उससे क्वेश्चन आते हैं, ओके। तो आप ये नहीं कहोगे कि सर मैंने स्टडी मैट के क्वेश्चन कर लिए, आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन कर लिए, पास्ट ईयर के क्वेश्चन कर लिए, ये कहना सही नहीं है कि अब इस तीनों जगह से ही क्वेश्चन आएगा। हाँ, आप ये कहोगे सर मैंने स्टडी मैट के सारे कॉन्सेप्ट कर लिए, आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन कर लिए, पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है। तो स्टडी मैट के कॉन्सेप्ट से आते क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट को कवर करने का ट्राई करो। क्वेश्चन तुम लोग प्रैक्टिस करने के लिए करते हैं, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट सीखते थोड़े ही हैं, कॉन्सेप्ट सीखते स्टडी मैट के टेक्स्ट से है और क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। तो आरटीपी एमटीपी में प्रैक्टिस होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से प्रैक्टिस होता है, स्टडी मैट के क्वेश्चन से प्रैक्टिस होता है। जरूरी नहीं है, देखो बहुत बार आते हैं, बहुत बार स्टडी मैट के क्वेश्चन एज इट इज आते हैं, इस अटेंड में भी आए हैं नवंबर 22 में, बट बहुत बार आईसीआई ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है सर ऐसे क्वेश्चन। और मैं आप लोग को बताऊँ, आईसीआई की नज़र में देखो, आईसीआई को पता है कि ये नया क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज न्यू क्वेश्चन। अब आईसीआई का ध्यान हर वो कैंडिडेट पे रहता है जिसने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, और उसके कॉपी को प्रीमियम कॉपी माना जाता है, ठीक है। उनके मार्क्स भी कम डिडक्ट होते हैं, जो स्लैशिंग वगैरह का सीन होता है ना, जो भी स्टूडेंट नया वाले क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं ना, उनका एक इमेज अलग ही क्रिएट होता है। तो क्या ये नया क्वेश्चन था, क्या मैं बोलूँ कि ये एक न्यू क्वेश्चन था? ये एक न्यू क्वेश्चन था फ्रॉम अ ओल्ड कॉन्सेप्ट विच ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन स्टडी मटेरियल। एक और बात, क्या आज से मैं बोल दूं कि ये जो चैप्टर वन का, ये जो चैप्टर वन है ना, उससे 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, क्या मैं बोल दूं? नहीं, दिस इज ऑल्सो नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट। इस पे आज चैप्टर वन से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए, दिस डजंट मीन दैट इससे हमेशा 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। आई रिपीट, कितनी बार पोर्टफोलियो का अगर कॉन्सेप्ट आईसीआई को नहीं पूछना होगा, वो शायद 4 नंबर का पूछ के छोड़ दे, उसको फर्स्ट चैप्टर से कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पूछना होगा, छोड़ दे, ठीक है। तो ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहिए, पास्ट ईयर का देखकर समझना चाहिए कि किस चैप्टर से ज़्यादा आता है, किस चैप्टर से कम, बट हमेशा इस बात को अपना ध्यान में रखें कि ये ट्रेंड्स को हमें सिर्फ एक होता है ना कि रेफरेंस पर्पज से, एक गाइडेंस पर्पज से लेना है। हमारा मेन एम होना चाहिए कि 100% कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी मटेरियल शुड बी कवर्ड, दैट्स इट। तब आप कॉन्फिडेंस के साथ आंसर कर पाओगे, तब आपको लगेगा कि नहीं, इस बार तो मेरा पेपर निकल जाएगा, ठीक है। चलो चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी आईसीआई के तो सेशन आंसर नहीं आए हैं, आईसीआई के जब सेशन आंसर आएंगे, मे बी मैंने जो कैलकुलेशन किया है, जो भी मैंने अजम्पशन लिया है, अजम्पशन मे बी डिफरेंट, ठीक है, आईसीआई कुछ अजम्पशन अलग ले सकता है, ठीक है, बट जो कॉन्सेप्ट की बात थी, जो कॉन्सेप्ट की बात थी, दैट वुड रिमेन सेम, एंड आई एम श्योर दैट मैंने जो अजम्पशन लिया है वो भी मैं 95% कॉन्फिडेंट हूँ दैट इससे कुछ अलग नहीं हुआ, इसमें कोई इस क्वेश्चन में कोई बहुत भारी बात नहीं थी, ठीक है। तो कैलकुलेशन मे बी डिफरेंट हो जाए, बट मैं जो आपको कन्वे करना चाह रहा था, आई होप वो आप उस बात को समझे होंगे, ठीक है। थैंक्स अगैन, थैंक्स।